नमस्कार, स्वागत है आपका आज इनपर केस अंक में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। पुलवामा अटैक पर राहुल गांधी के बयान पर हमीरपुर में केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया करारा जवाब। जिस पार्टी के नेता आतंकवादियों के घरों में जाकर आंसू बहाते हैं, उन्हें सरकार से पुलवामा हमले की रिपोर्ट को जानने का कोई हक नहीं, कहा अनुराग ठाकुर ने। हमीरपुर में शादी का झांसा देकर पहले एक युवक ने प्रवासी नाबालिग को भगाने के साथ साथ गर्भवती होने के बाद बच्चे को जन्म देने का मामला आया सामने। प्रवासी नाबालिग युवती के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया है और पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन की शुरू। पुलवामा हमले की पहली बरसी पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुजानपुर इकाई द्वारा महाविद्यालय परिसर से लेकर बस अड्डे तक एक तिरंगा मार्च किया गया आयोजन। तिरंगा मार्च में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 95 कार्यकर्ता रहे उपस्थित। हमीरपुर के गांधी चौक पर NSUI के छात्रों ने पिछले वर्ष हुए पुलवामा में आत्मघाती हमले में शहीद हुए वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। NSUI के छात्रों ने भारतीय जवानों की जय जयकार के लगाए नारे।